सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, हर छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ मैं हूं प्रेम बातें टूटी फूटी आवाज में। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। खबर आपकी कवरेज हमारी। बहुत बहुत अपने सम्मानित यूट्यूब चैनल के सदस्यों का आभार वंदन। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, एक झुंड के रूप में जन सैलाब उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक सुखनी नदी के पास की तस्वीरें हैं, थाना था रेवसा क्षेत्र इलाके की, और उस वक्त की हैं जब एक मवेशी चराने गया युवक गहरे पानी में चला गया और उसी वक्त ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद उसको निकाला गया। और वहीं पर सूचना पर पहुंची रेवसा पुलिस ने पंचायतनामा भरकर पीएम के लिए उसको भेजा गया है। बताते चलें कि थाना रेवसा क्षेत्र से बड़ी खबर, जागडाड़ा निवासी हरी लाल यादव का पुत्र बेचेलाल, उम्र करीब 35 वर्ष लगभग, ये रोज की भांत मवेशी चराने गया हुआ था। वहीं थाना रेवसा क्षेत्र इलाके में करशा और जागराड़ा के मध्य सुखनी नदी के पास सुखनी नदी में मवेशी पानी पीने के लिए चला गया और वहीं उसी वक्त पानी पीने के बाद मवेशी नहीं निकला तो उसको निकालने की जुगत में बेचेलाल थोड़ा सा पानी के अंदर गया और अचानक शरीर का बैलेंस बिगड़ा और गहरे पानी में चला गया, जिससे कि पास पड़ोसियों ने देखा और जब तक लोग दौड़ते तब तक वो काफ़ी गहरे पानी में चला गया और कड़ी मशक्कत के बाद उसको निकाला गया। वहीं पर माली हालत ठीक नहीं है, चार बेटी और एक पुत्र है, काफ़ी दयनीय स्थिति है। वहीं पर तहसीलदार उमा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि लेखपाल को मौके पर भेजा गया है और अगर परिजन पीएम कराते हैं तो उसके खाते में सहायता राशि दैवीय आपदा के अंतर्गत दी जाएगी, पहुंचाई जाएगी, ऐसी बात कही है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से तस्वीरों में अस्पष्ट कोहराम सा मचा हुआ है, एक परिवार पर कहर सा टूट पड़ा, वज्रपात सा हो गया है और काफ़ी एक घटना हृदय विदारक देखी जा रही है। जो जहाँ से सुनता है वो दौड़ा चला आ रहा है। काफ़ी व्यवहार कुशलता बेचेलाल की लोगों को आज चुप रही है, शायद घर वालों को उसको ये पता नहीं था कि ऐसा दिन आएगा और माता पिता का रो रो का बुरा हाल है। काफ़ी गांव में एक शोक की लहर दौड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। आइए मिलाते हैं कुछ बातचीत के अंश परिजनों से, मौके पर कवरेज की गई लोगों के द्वारा तस्वीरें। डूबे हैं ये आपके कौन हैं भाई? बड़े हैं छोटे? बड़े। सबसे बड़े हैं? हाँ। कितने भाई हो? तीन भाई। इनका क्या नाम है? बेचेलाल। पिताजी का क्या नाम? हरीलाल। अच्छा, और इनसे जो छोटे हैं मझले वाले, इनका क्या नाम? रमाकांत। आपका नाम? विनोद कुमार। इनके लड़के कितने हैं? चार लड़की हैं, एक लड़का है। लड़का बड़ा है? हाँ, लड़का बड़ा है। कितने साल का है? 12 साल का है। अच्छा, लड़की? लड़की भी छोटी है। जो बड़ी है वो कितने साल की है? वो 10 साल की, 8 साल की। क्या नाम है? कविता। अच्छा, उससे छोटी है, उसका क्या नाम है? प्रीति। कितने साल की है? 4 की है। अच्छा, उससे छोटी क्या नाम है उसका? पूनम। अच्छा, और उससे छोटी? रजनी। उससे छोटी? अच्छा, चार है लड़कियाँ। चार लड़की और लड़का। ठीक।